हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एकलव्य स्टूडियो। तो आज हम बातें करेंगे एमटीवी ट्रोल पुलिस के बारे में। तो जैसा कि आप सबको पता है कि एमटीवी ट्रोल पुलिस में इस बार आए थे प्रिंस। यस, वही प्रिंस जो रोडीज के विनर है, वही प्रिंस जो स्प्लिट्स विला के विनर है और जो बिग बॉस के भी विनर है। काफी सारे फैन फॉलोइंग भी है एक बार बिग बॉस जीतने के बाद। और ये तो सबको पता है कि बिग बॉस जीतने के बाद वो इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक हर जगह जैसे फॉलोअर्स बढ़ते हैं, वैसे ही कुछ प्रिंस के साथ भी हुआ। तो प्रिंस के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ और उसके मिलियन मिलियन फॉलोअर्स बढ़ गए बिग बॉस के विनर के बाद। पर ट्रोलिंग तो होनी ही है, अब इतने फेमस बनोगे तो ट्रोलर्स भी आएंगे। लेकिन आज एक चीज मुझे बहुत अच्छा लगा जो उसके ट्रोलर्स के साथ इन लोगों ने किया, लाइक टास्क कराना, एक्चुअली दिखाना कि रोडीज अगर विनर बना प्रिंस तो क्यों बना, क्यों इतनी मेहनत के बाद, कितनी मेहनत करता है या कितनी उसकी बॉडी में स्ट्रेंथ है, ये बहुत अच्छी चीज है। तो हम बात करते हैं उसके ट्रोल की। एक बंदा था जिसका मशीन मैन नाम था, एक्चुअल नाम उसका आदित्य शर्मा है। अब आदित्य शर्मा उसके हर फोटो पे जाके हर बात पे बार 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 गंदी गंदी कमेंट करता था, गालियां भी देता था। जब से वो रोडीज में गैंग लीडर बना था वो इस बात भी बोलता था कि उसको नाजायज है, वो उसको ऐसी खैरात में मिल गई है ये गैंग लीडर। तो ये सब बहुत सारी चीजें हुई, उसको बुलाया गया और उसको ये, और वो मुंबई का ही रहने वाला था तो आसानी था बहुत ज्यादा बुलाने में, क्योंकि मुंबई के बाहर के लोगों को बुलाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो वो मुंबई का ही था तो बहुत आसानी से आ भी गया। और उसको ये बोला गया क्योंकि वो जिम बहुत ज्यादा था, वो 120 केजी का था और उसने एक साल में 89 केजी किया, अपना वेट लूज किया और बहुत अच्छे से अपने वर्कआउट भी किया। तो इस बात पर कि फिटनेस पे हम एक शॉर्ट फिल्म कर रहे हैं, फिटनेस पे हम एक बना रहे हैं वीडियो, तो आप वहां पे आके बताओ कि कैसे आज की जनरेशन करती है। और इसी चक्कर में वो बंदा आ गया। अब वो बंदा आया तो रणविजय भी आए, रणविजय उनको बोला गया था कि रणविजय आएंगे, उससे उनके थ्रू आपसे बातें होंगी। बट आने के बाद तो सरप्राइज भी था, और सरप्राइज ये था कि प्रिंस वहां पे थे। अब प्रिंस आए और वो बंदा जिस तरह से बोला, मतलब उस बंदे में बिल्कुल भी डर नहीं था। हाँ मैंने बोला है, हाँ मैंने किया है, मेरा अपना तरीका था, मुझे अच्छा नहीं लगा, मैंने बोला। प्रिंस भी पहले तो बहुत नॉर्मल थे, तो मुझे एक चीज अच्छी नहीं लगी कि प्रिंस जब आप उसको बुला रहे थे ट्रोल के लिए, जो भी आपको ट्रोल किया गया या जो भी चीजें हुई, उसके बाद आपने उसे गालियां देना स्टार्ट कर दिया। ये चीजें मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। तो उसने स्टार्ट किया, क्योंकि वो बंदा आदित्य शर्मा सुन ही नहीं रहा था उसकी बातें, वो बोल रहा था कि हाँ तू ऐसा है, हाँ तू वैसा है, बहुत सारी चीजें उसने बोली। बट उस बंदे में कॉन्फिडेंट बहुत था, मैंने ये किया है तू कर ले जो करना है। बीच में जब रणविजय ने उसे बोलना स्टार्ट किया, उसके बावजूद भी वो यही बोल रहा था कि भाई मैं बोलूंगा, मुझे लगता है तूने किया होगा बहुत सारे लोगों को इंस्पायर, बट मुझे नहीं किया है, मैं बोलूंगा। मतलब इतनी गट्स वो भी रणविजय के सामने बैठ के, और उसके बाद ये सारी चीजें। तो एक बात आई जब प्रिंस ने बोला कि ठीक है यहाँ पे हम कुछ टास्क लेके आए हैं, तुम टास्क वो करो और मुझे दिखाओ। और अगर उसने मना कर दिया, मैं नहीं करूंगा तेरे लिए टास्क, मेरी मर्जी, मैं नहीं करूंगा, तू कुछ भी कर ले, तू कुछ भी करवा ले, मैं नहीं करूंगा। बट रणविजय को एक्चुअली पता है कि कैसे करवाना है, किस युवा पीढ़ी से किस तरह से काम करवाना है। उसने वही किया और रणविजय ने बोला कि अगर आप ये टास्क करोगे तो आपको मैं रोडीज के पीआई में, यानी कि ऑडिशन में डायरेक्ट एंट्री दिलवा दूंगा, आपको कोई लाइन में खड़े नहीं। और जैसे ही उस बंदे ने ये बात सुनी, उस बंदे ने कहा ओके ठीक है चल मैं टास्क करता हूँ, बट सिर्फ रणविजय के लिए टास्क करूंगा और मैं खेलूंगा, देखूंगा कि तू क्या करता है। टास्क किया, तीन तीन टास्क हुए, तीनों में वो बंदा हार गया प्रिंस के कंपेयर में। कहीं ना कहीं मुझे वो चीज लग रहा था कि अगर ये पहले से सेटअप है तो प्रिंस प्रैक्टिस करके आया होगा, ये सारी चीजें हुई होंगी। बट वो बंदा भी अपनी जगह सही था, प्रिंस भी अपनी जगह सही थे, क्योंकि प्रिंस का जो स्ट्रेंथ है, चाहे उसको लोग पसंद करते हो चाहे उसको लोग पसंद नहीं भी करते हो, बट वो बंदा बहुत मेहनत करता है, बहुत स्ट्रेंथ करता है, बहुत स्ट्रेंथ से करता है सॉरी। तो प्रिंस ने बहुत ही फास्ट, बहुत ही स्पीड से ये सारी चीजें की। अब वो बंदा तो हार गया, बट उसके बावजूद जिस तरह से उनको बोला गया कि अगर आप टास्क करोगे तो आपको रोडीज के ऑडिशन में बुलाया जाएगा। तो अब आया मेन, अब यहाँ भी उसकी बातें खत्म नहीं हुई।
यहाँ भी जब उसे बुलाया गया, सारे लोग रोडिस के जैसे निखिल, नेहा धूपिया, रफ्तार सब थे। जो प्रॉपर ऑडिशन रूम था वो प्रॉपर ऑडिशन रूम था। उनके वहां पे आने के बाद बताया गया कि ये कैसे कैसे ट्रोल करते हैं। फिर उन्होंने बहुत सारे एक्सरसाइज भी करके दिखाए। बट जो सबसे एक्सट्रीम होता है रोडिस के ऑडिशन में, जो कि करने को बोला जाता है वो चक्कर में, उसमें था कि उनको बाल कट करने हैं, कुछ हाईवे टाइप से बनाने हैं। उसने मना कर दिया। मना किया तो निखिल ने बोला कि अब तुझे पता है कि तूने मना किया, अगर तेरी जगह पे प्रिंस रहता तो वो कभी भी मना नहीं करता। और उसने बोला हो सकता है प्रिंस नहीं करते, मेरा अपना शौर्य, मैं नहीं करूंगा। यार उस बंदे में गट्स थी। उस बंदे ने क्लियरली बोला कि ठीक है, मैंने जो किया सो किया, मैंने अपनी गलती मानी, मेरा तरीका गलत था, बट हाँ मैं करूंगा, मैंने किया है ये चीज। उसने ये क्लियरली बोला। अब बात करते हैं, उसने मना कर दिया बाल कटाने की। लेकिन नेहा धूपिया ने भी बोला कि आपको पता है ये टास्क है और काफी लोग ये करके भी जाते हैं, बट अगर आप नहीं करोगे तो यहाँ से मैं आपको थैंक यू बोलूंगी कि आप यहाँ तक आए, अब आप यहाँ से जा सकते हो। और उसने बोला कि मुझे इससे कोई इश्यू नहीं है, मैं नहीं करूंगा मतलब नहीं करूंगा, खत्म कहानी। लेकिन रणवीर जी ने बताया ये कोई रियल ऑडिशन नहीं चल रहा था, ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए कि एक्चुअली क्यों होता है। जिस तरह से निखिल ने गुस्सा किया, फिर उस बंदे ने गुस्सा किया, तो ये दिखाया जा रहा था कि रोडी ऑडिशन कैसे होता है। प्रिंस ने फिर एक और चीज बोली, जो वो बोला कि चाहे जो भी हो मैं यहां तक पहुंचा हूं। जब उस आदित्य शर्मा ने ये बात बोली कि मैं रोडीज के गेट तक पहुंच गया हूं ऑडिशन तक, प्रिंस ने बहुत अच्छी बात बोली यहाँ पे, और वो थी कि तुझे यहाँ पहुंचा नहीं है, तुझे यहाँ लाया गया है। तूने कोई वैसे लाइन में खड़े होके नहीं किया, अगर तू लाइन में खड़े होके इस तरह से ऑडिशन देने आता ना तो यहाँ तक पहुंच भी नहीं पाता। ऑब्वियसली क्योंकि उस बंदे में सिर्फ एटीट्यूड था, उस बंदे में एक गट्स था जो कि अच्छा था, जो भी था अपनी बातें एटलीस्ट वो बोल पाता था, बट उस बंदे में वैसा स्टेमिना नहीं था जो एक्चुअली रोडिंग में होना चाहिए। जितने लोगों ने इतने सारे एक्सरसाइज की या जो भी किया गेम के लिए, टास्क के लिए, जिस तरह से स्पिरिट दिखाते वो उस बंदे में नहीं था। तो शायद प्रिंस कहीं ना कहीं सही थे कि यहाँ तक जिस तरह से लोग पहुंचते हैं वो नहीं पहुंच पाता। लेकिन उस बंदे की एक अच्छी चीज थी कि उसने अपनी गलती मानी और उसको एक्सेप्ट किया, उसको बोला कि ठीक है मुझे लगा था कि ऐसी चीजें होंगी, बट ये चीजें बहुत टफ होती है, आप जिस तरह से करते हो वो शायद करना मुश्किल है, तो मेरी गलती है, मैंने जो किया मेरा कहीं ना कहीं गुस्सा था। तो बेसिकली ये एपिसोड मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि जिस वे में समझाया गया उसके ही वे में दिखाया गया है कि भाई वो अगर इस लेवल पे पहुंचा है अपनी मेहनत करके तो वो क्यों पहुंचा है। ये चीजें अच्छी लगी, दिखाई गई। अब देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में कि नेक्स्ट एपिसोड में किस तरह से दिखाया जाता है, क्या वो स्क्रिप्टेड लगती है या फिर क्या वो एक्चुअली ट्रोल लगता है कि हाँ ये ट्रोल की ही बातें हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड सैटरडे को 7 बजे। तब तक के लिए बाय बाय। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। सो थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।